गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्टर सर आप लोग को आज कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर में चैप्टर 3 मोर ऑन विंडोज, ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, हमारे वीडियो को सुनिए, बुक खोलिए, वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मोर ऑन विंडोज। विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से आपके पापा के पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में जब तक वो पेट्रोल नहीं डालते हैं तब तक गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चलती है। ठीक उसी तरह से एक कंप्यूटर मशीन है, उसको चलाने के लिए उसके अंदर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, तो किसी चीज़ को चलाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंसिस्ट होता है। इट नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इन दोनों में एक मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए। विंडो इज कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मैनी वर्जन्स, माने विंडो का आज काफ़ी मात्रा में एडवांस वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि इसमें बुक्स में आपका दिया 98 से स्टार्ट किया है और विंडो 10 पे लाया है, यानी इतना जो है ये आज के डेट में लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है, ये दिया है। उसके बाद कह रहा है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फीचर क्या है, मतलब इससे हमको बेनिफिट क्या मिल सकता है, वो यहाँ पे लिखा है और समझाया बहुत इजी वे में। इसके बाद है स्टार्टिंग विंडो, विंडो को स्टार्ट हम कैसे करते हैं। आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास चलिए मोबाइल है, मोबाइल आप स्टार्ट करते हो, तो मोबाइल कैसे स्टार्ट करते हो, बटन दबाते हो मोबाइल का स्विच ऑन, तब वो स्टार्ट होता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी स्विच ऑन, UPS को स्विच ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, CPU को ऑन करेंगे, कंप्यूटर मेरा खुल जाएगा। जब खुलता है तो वो स्क्रीन कुछ इस तरह से आता है आपके मॉनिटर पे। इस तरह से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक खुलता है विंडो, ठीक। इसमें जो ये छोटे छोटे चित्र को देख रहे हो इसको कहते हैं आइकन, ठीक। आइकन उस तरह से होता है जैसे मोबाइल जब आप खोलते हैं तो उसमें छोटे छोटे पिक्चर बनते हैं, जैसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सअप, ये सब का जो चित्र बना आता है वो कहलाता है आइकन। इसी तरह से कंप्यूटर भी खुलता है तो इसमें कहला आता है आइकन्स, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को खोल के जिस पे हमको काम करना है वो हम करते हैं। यहाँ पर दिया होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन नीचे लिखा होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है डेस्कटॉप, ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है डेस्कटॉप। इसके बाद है आप देखिए पेज नंबर 23 में सबसे नीचे द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन जो होता है ये नीचे वाला, इसमें क्या क्या होता है, जैसे द पीसी है, फाइल एक्सप्लोरर है, ये सब आइकन जब स्टार्ट बटन दबाएंगे खोलेंगे तब इसमें खुलता है। जैसे द पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में आपके ये ड्राइव बना होता है, ये चीज ये कहलाता है हमारा ड्राइव, और ड्राइव का मतलब क्या होता है चलाना, तो हम किस तरह से चलाते हैं ये हमारे ड्राइव्स होते हैं इस दर पीसी के अंदर। बच्चों इसको पढ़िए, छोटा छोटा हम वीडियो भेजेंगे, इसको देखिए, बुक्स खोलिए, और जितना दूर हम पढ़ाए हैं वहाँ तक पढ़िए, समझिए, क्योंकि
ऑनलाइन की पढ़ाई हम ऐसे ही करेंगे। जो बच्चों ने आपके नज़र में, अगर वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी और पासवर्ड नहीं लिया है, तो आप उन लोगों से कहिए कि जाके अपनी आईडी और पासवर्ड ले और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।